जरा इस रॉड को देखिए, यह है इसका सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई करूं तो यह रॉड एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जरा सोचें, अगर मैं यही फोर्स सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पर अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? इस सूरत में यह रॉड एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करने की बजाय रोटेट करना शुरू कर देगा, और अब हम फोर्स की बजाय ये कहेंगे कि रॉड के पास टॉर्क है। सो टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसेस रोटेशनल एक्सेलरेशन। बिकॉज फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल एक्सेलरेशन, सो वी कैन से दैट टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। इसका मतलब यह है कि टॉर्क का वही काम रोटेशन में है जो फोर्स का लीनियर मोशन में है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। आप सोच रहे होंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर यही रॉड एक एंड से फिक्स हो तो फिर सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो एक एंड से फिक्स हैं। इसी वजह से जब उन पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो बजाय लीनियर मोशन परफॉर्म करने के रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी उनमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे डोर एक एंड से क्योंकि फिक्स होता है तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डोर रोटेट करता है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह जब किसी नट को खोलने के लिए हम स्पैनर यूज करते हैं तब भी हम इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं, इसलिए जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस फिक्स एंड जिसके गिर्द ये स्पैनर रोटेट करता है इसे पिवट कहते हैं, और जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जाती है इसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये स्ट्रेट डिस्टेंस मोमेंट आर्म कहलाता है। आइए इस स्पैनर की मदद से ये समझते हैं कि टॉर्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब मैं इस स्पैनर पर कम फोर्स अप्लाई करूंगा तो मैंने देखा कि इसमें बहुत कम रोटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि इसमें बहुत कम टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर सेम स्पैनर पर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं तो अब मैंने देखा कि इसमें ज्यादा रोटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो यहां से यह बात तो क्लियर है कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स। जब कोई नट बहुत टाइट हो और यह स्पैनर उसको खोलने के लिए इनफ टॉर्क प्रोड्यूस ना करे तो हम क्या करते हैं? हम उसकी जगह एक बड़ा स्पैनर यूज करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि छोटे स्पैनर की निस्बत बड़े स्पैनर का मोमेंट आर्म ज्यादा होता है और यूं ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहां से यह बात क्लियर है कि टॉर्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मोमेंट आर्म। तो हमने देखा कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन मोमेंट आर्म एंड फोर्स, और मजे की बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही टॉर्क के बराबर होता है, और यूं ही हम टॉर्क को डिफाइन भी करते हैं। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। टॉर्क के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए PGC e-learning ऐप पर